कई कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसको लेकर कल की जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही तो कल तैयारी का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कल ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कल खुद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। गंगा जल प्रोजेक्ट और डाटा सेंटर की शुरुआत भी की जाएगी। नोएडा को 600 करोड़ रुपए का तोहफा मिलने वाला है। शहर के लोगों को कई बड़ी सौगातें यहां पर मिलेंगी। प्राधिकरण में अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तो जिस प्रकार से इंडिया एक्सपो का जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, व्हाट अ वीक इंडिया एक्सपो के व्हाट अ वीक कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 1 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहने वाली हैं और जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू दौरे पर रहेंगी तो कार्यक्रम पूरा तय है और कार्यक्रम से पहले तमाम तरह की व्यवस्थाओं में प्रशासन लगा हुआ है। तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां अभी वहां पर की जा रही है, कितनी तैयारियां पूरी हो गई हैं, इसी का जायजा लेने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। तो दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल यानी कि 31 अक्टूबर को जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे और 1 नवंबर को ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गंगा जल प्रोजेक्ट और डाटा सेंटर की शुरुआत करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, 1 नवंबर को कार्यक्रम का ये पूरा आयोजन किया गया है इंडिया एक्सपो, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी तो इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल पूनम जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 2 दिवसीय दौरे पर जो है ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में इंडियन एक्सपो सेंटर में चल रहे है वाटर वीक कार्यक्रम में जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो है 1 तारीख को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है शरीक होंगी। यहाँ पर जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को जो है 600 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है तोहफा दिया जाएगा, जिसको लेकर पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गंगा प्रोजेक्ट जो के साथ साथ जो डेटा सेंटर है, इन दोनों की यहां से जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शुरुआत करते हुए 600 करोड़ रुपए के इस तोहफे को नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों के हवाले कर देंगे। इसके साथ ही क्योंकि राष्ट्रपति का प्रोग्राम है और साथ के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षाओं का जायजा लेने के लिए 31 तारीख को जो है ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे, जहां वो पहले अधिकारियों के साथ जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उसके बाद सुरक्षाओं में किस तरीके से चार चौबस और किया जाना है इसको लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। ग्रेटर नोएडा में ही देर रात जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आवाज करेंगे और उसके बाद 1 तारीख को जो है इंडियन एक्सपो मार्ट सेंटर में जो है प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें जो है शिरकत करेंगे, साथ ही भारत की राष्ट्रपति का जो है यहाँ स्वागत करते हुए नजर आएंगे। उसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को जो है तैनात किया गया है ताकि राष्ट्रपति के प्रोग्राम के दौरान किसी तरीके की कोई अवरुद्ध जो है सामने ना आ सके। बिल्कुल ताहिर, जिस प्रकार से गंगा जल प्रोजेक्ट और डाटा सेंटर की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, इसकी शुरुआत होनी है, 600 करोड़ की सौगात यहां पर देंगे शहरवासियों को, क्या फायदा आगे आने वाले समय में इन सौगातों से, इन योजनाओं से मिलेगा और कितना विकास हम कह सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा का होगा? देखिए पूनम जी, आपको बता दूं कि लगभग पिछले 15 वर्षों से जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वासी थे वो शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे थे। गंगा परियोजना उसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाती हुई नजर आएगी क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर पानी की किल्लत जो है खासकर गर्मियों में देखने को मिलती है। तो गंगा परियोजना जैसे ही ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत होगी तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वासी जो पिछले लगभग 15 वर्षों से इंतजार में थे कि कब गंगा जल उनके घर तक पहुंचेगा, तो वो गंगा जल सीधा उनके घर तक अब जो है इस परियोजना के माध्यम से पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही जिस डाटा सेंटर का जो है उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा वो डाटा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ की पुलिस फोर्स के लिए साबित होगा क्योंकि क्रिमिनलों की जो इतिहास होगा उसको आसानी से जो है सेव किया जा सकेगा और आसानी से किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है आसानी से उस पर जो है कंट्रोल पाने में एक महत्वपूर्ण कदम जो है ग्रेटर नोएडा और नोएडा की पुलिस जो है उठाती हुई नजर आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे तो उन्होंने साफ दिशा निर्देश दे दिए थे कि या तो अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं या फिर अपराध की दुनिया को छोड़ दें, तो उसी में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम जो है डाटा सेंटर के तौर पर जो है उठाते हुए यहाँ जो है नजर आएगा और अधिकारी आने वाले समय में इसका जहाँ फायदा उठाएंगे तो वही अपराधियों के लिए डाटा सेंटर जो है एक बड़ी कड़ी साबित होगी जो आसानी से
अपराधियों को चिन्हित करने का काम किया जा सकेगा और अपराधियों को आसानी से गिरफ्तार भी किया जा सकेगा। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 31 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश के सीएम जो है वो चीजों का जो है जायजा लेंगे और उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जो है चाक चौबंद की जानकारी अधिकारियों के साथ वार्ता करने के बाद ग्रेटर नोएडा में ही देर रात जो है विश्राम करेंगे और 1 तारीख को भारत के राष्ट्रपति का जो है वो इंडियन एक्सपो मार्ट में जो है स्वागत करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल 1 नवंबर को जो है ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इससे पहले कई तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही, चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कर लें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ कल जिस प्रकार से पहुंचने वाले तो उनकी सुरक्षा में भी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, रूट डायवर्जन, ये तमाम जो है काम किए जा रहे हैं, तैयारियां यहां पर की जा रही है और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जब वो पहुंचेंगे तो इसी के साथ गंगा जल प्रोजेक्ट और डाटा सेंटर की शुरुआत भी करेंगे और इसी के साथ अन्य कई सौगातें ग्रेटर नोएडा वासियों को मिलने वाली हैं।